और तेज प्रताप हमारे साथ हैं जुड़े हुए। तेज प्रताप, आखिर ऐसा क्या हो गया, इतना कड़ा और बड़ा फैसला लेना पड़ा आपको? मैं बहुत दिन से मैं झेल रहा था मैं इस चीज को, क्योंकि हमारा मेल कहीं से नहीं खाता है ना, वो साउथ पोल है तो हम नॉर्थ पोल हैं, ठीक है, और इस किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा भी हो जा रहा है, और इस चीज को बखूबी हमारे फादर के सामने भी झगड़ा हुआ है और हमारी माता जी के सामने भी झगड़ा हो चुका है, तमाम लोग पूरे परिवार के लोग के सामने भी झगड़ा हुआ है, तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं, फिर भी इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल चुका है तो इस फैसले को मैं वापस कभी भी नहीं ले सकता हूँ, आना लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तेज प्रताप, ये बताएंगे कि झगड़े की बात तो सामने आ रही है, क्या वो कौन सी बिना रही, क्या एक दूसरे से ना बनने की बात क्यों ऐसी हो रही है? क्योंकि सगाई में आप बिल्कुल अच्छे दिख रहे थे, शादी में भी काफी खुश थे, सारी तस्वीरें हमने देखी हैं, अपने दर्शकों को दिखाई हैं। जबरदस्ती का है ये, मोहरा बनाया गया है हमको। अच्छा, और बहुत सारा पॉलिटिकल माइलेज भी लेने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तो मैं कोर्ट में ही जाकर के बयान करूंगा, मैं आप सामने, मैं आप लोग के सामने मैं क्या बताऊं, कोर्ट में जाकर के मैं जितना भी है सब चीज कोर्ट के सामने मैं रखने का काम। तेज प्रताप अभी न्यूज 18 से बात कर रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। तेज प्रताप हमें जरा ये बताइएगा कि मोहरा किसने बनाया आपको? मोहरा किसने बनाया? मोहरा बनाया ओम प्रकाश ने, नागमणि ने बनाया, इन लोगों ने जो जो लोग इर्द गिर्द लगे हुए, चाहे तेजस्वी जी के इर्द गिर्द हो या साहब के इर्द गिर्द हो या मैडम के इर्द गिर्द हो, ये लोग तमाम लोग लगे हुए हैं, हमारे ऊपर ही लगे हुए हैं, कुछ भी अच्छा भी काम करो तो ये लोग बुरा दिखाते हैं साहब और मैडम के सामने। हम ये जानना चाह रहे हैं कि तमाम लोग लगे हुए हैं, और ये विपिन जो है, विपिन जो है कौन, विपिन है ये सब, ओम प्रकाश है, ये लोग ला करके या ये लोग तमाशा करने का काम किया, खड़ा करने का काम किया, मैंने शुरू भी मैं भी मना किया, लेकिन परिवार के लोग ये दिखाने लगा अगर शादी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जब तीर कमान से निकल चुका है तो मैं अपने फैसले पे अड़ी हूँ, मैं पलटने वाला नहीं हूँ। तेज प्रताप, उस समय एक खबर आई थी कि लालू प्रसाद की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, और लालू प्रसाद की बिगड़ती तबीयत को लेकर एक फैसला लेना था कि तेज प्रताप को शादी कर लेनी चाहिए। हमारी सिस्टर लोगों ने भी मना कर दिया था कि अभी शादी क्यों कर रहे हो, लेकिन ये ओम प्रकाश बीच में पड़ा हुआ था, और ये पता नहीं आप साहब मेरे माता जी को क्या क्या बोलता है और क्या क्या बोलकर। ये ओम प्रकाश है कौन? ये ओम प्रकाश ये मेरा मामा थे, वो सिलार कला में रहते थे, उनकी डेथ हो गई है, ये वो सब उनके लड़के हैं, तो ये लोग तमाम लोग लगे हुए थे, ये लोग लग करके ज्यादा आगे आगे यही लोग कर रहे थे, जितना मम्मी पापा का उतना भूमिका नहीं था जितना इन लोग का भूमिका था। अच्छा, आपकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो क्या शादी के बाद भी आपने ऐश्वर्या से बातचीत की इस संदर्भ में कि देखो हमारे मर्जी के खिलाफ? हमारा देखिए, हमारा कहीं से कोई मेल नहीं खाता। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारा कहीं से कोई मेल नहीं खाता, हम बराबर पूजा पाठ में रहते हैं, वृंदावन जाते हैं, अभी वृंदावन गए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने खबर चलाई। हाँ, तो कहीं से कोई मेल नहीं खाता। अब वो हाई सोसाइटी में रही है, मरिंडा हाउस से पढ़ाई की हुई है, बेटी की है, बिल्कुल हम बी एन कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं। अब ये लोग षड्यंत्र रच करके भूमिका बांध करके हमको इस तरीके का, हमको मोहरा बना दिया गया, हमको फंसा दिया गया इसमें ला करके, अब कैसे मेल नहीं खाता है। यहाँ तक कि जब झड़प भी मेरा ऐश्वर्या से जब लड़ाई भी हुई थी तो उसने खुद बोला था ऐश्वर्या ने कि तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो, क्यों नहीं मम्मी पापा से तुम बात करते हो, क्यों नहीं डिवोर्स दे देते हो, ये तो मम्मी भी जानती है और ये पापा भी जानते हैं, पापा के सामने भी ये सब चीज बात, हमने पापा के सामने फोन करके गिड़गिड़ाया भी, हमने पापा के सामने भी बहुत सारा कुछ बात बोला, लेकिन मेरे खुद के मम्मी पापा ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेज प्रताप कभी शादी नहीं करना चाहते थे? तेज प्रताप कभी शादी नहीं करना चाहते थे? पूरी लाइफ मैं शुरू से मैं शादी नहीं करना चाहता था, हमको जानबूझ का मोहरा बनाया गया कि तुम शादी करो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, तो आदमी फंस गया उसमें। तो माँ बाप के मन को रखने के लिए तेज प्रताप ने शादी कर ली? हमने माँ बाप के मन को रखा, लेकिन मेरा मन तो नहीं ना रहा, मेरा मन तो नहीं रहा,
हमने माँ बाप के मन को रखने का काम किया, हमने शादी कर लिया, चलिए ठीक है, आपने ओम प्रकाश ने या कौन कौन क्या किया, कौन विपिन ने क्या किया, उससे हमको नहीं मतलब है। लेकिन जब हमने इस चीज को बात रखा, हमने अपने पापा के सामने बात ये रखा कि हम लोग का बन नहीं रहा है, हम लोग का ये नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको मोहरा बनाया गया, हमने सारी चीज को रखने का काम किया, तब हमको कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ा। ये कोई जल्दबाजी मेरा फैसला नहीं है, ये हमने पूरी तरीके से सोच समझ करके हमने ये फैसला लेने का काम किया है। अब आवास पे पूरा चक्कर लगा हुआ था, लाख दुनिया मनाएगा, हम मानने वाले नहीं है, एक बार तीर निकल गया कमान से बस निकल गया, हम मानने वाले नहीं है, और ना हम अपने फैसलों पे अड़े हैं, और ना हम पीछे भागने वाले हैं, चाहे प्रधानमंत्री भी पर भी ना कर दें। पिताजी की बात मानेंगे? देखिए, जो जिस तरीके से हम झेल रहे हैं, जो कि हम घुट घुट करके जी रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कि हम बात मानने वाले हैं, क्योंकि ये चीज हम जान रहे हैं। अगर आप मेरे जगह पे रहिएगा तो आप खुद जानिएगा। तेज प्रताप ने इतना कड़ा विरोध पहले क्यों नहीं किया? तेज प्रताप को अर्जी देनी पड़ी शादी के बाद, इतने कम समय के बाद तेज प्रताप ने पहले विरोध क्यों नहीं किया? पहले भी हमने कहा था, हमने तेजस्वी को भी कहा था, हमने भाई को भी कहा था, और माता जी को भी कहा था, लेकिन हमने आपको कह दिया स्पष्ट क्लियर, हमने आपको कहा कि वो लोग तरह तरह का बात बोलने लगे थे कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम शादी करो ये करो, घर का प्रेशर था, तब शादी हमने किया। हम क्या जानते थे कि इस तरीके का माहौल पैदा होगा? अगर इस तरीके का माहौल पैदा होता तो हम क्या क्यों शादी करते हैं? पहले दिन से घर में क्या माहौल था ऐश्वर्या के आने के बाद? हेलो, हाँ, ऐश्वर्या के घर में आने के बाद पहले दिन से क्या माहौल था?